हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ में डिफरेंशिएशन चैप्टर में एक्सरसाइज है 11.3। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में हमने क्या किया था कि क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18 और 19 को सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा गिवन है टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का वन अपॉन में ए एक्स। ठीक है, करना क्या है, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन हमें गिवन होगा उसको क्या करेंगे, वाई क्यूब को लेट करेंगे। लेट करेंगे वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन और अपॉन में क्या है ए एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए एक्स। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को y के कोलेट किया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर है तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन ए एक्स। क्या हम क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हैं, क्या हम क्वेश्चन को ए एक्स की पावर टू ऐसे कर सकते हैं? ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर इसको ओपन करोगे तो फिर से यही आ जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला सब्स्टिट्यूशन बन रहा है, सबको दिख रहा है, साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है हमें। यहाँ पे अगर हम वन का स्क्वायर कर दें तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन बन रहा है, और जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन होता है तो हम क्या करते हैं कि ए टेन थीटा पुट करते हैं, कहाँ पे, एक्स की जगह। एक्स इज इक्वल टू क्या पुट करते हैं, ए टेन थीटा। तो यहाँ पे देखो हम क्या पुट करेंगे, ए एक्स पुट करेंगे, ए एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। क्या यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, ए एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स। ठीक है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, टेन इनवर्स एक्स। क्या सभी को थीटा की वैल्यू निकालने आती है? ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स आ गया। देखो थीटा को इधर रखा, ठीक है, टेन को इधर भेज दिए, तो टेन है इधर आएगा तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो क्या आ गया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए एक्स। अब जहाँ पे क्वेश्चन में ए एक्स होगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। ठीक, तो क्वेश्चन क्या बनेगा, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा और क्या है, माइनस का वन। ठीक है, ये रूट के बाहर है माइनस का वन और अपॉन में क्या है, अब देखो नीचे भी क्या है, ए एक्स है तो इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, टेन थीटा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, टेन थीटा। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आया? ठीक है, हमने क्या किया है कि क्वेश्चन में ए एक्स जहाँ पे है वहाँ पे क्या पुट कर दिया है, टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या था, ए एक्स का स्क्वायर था तो यहाँ पे क्या हो गया, टेन स्क्वायर थीटा हो गया, और नीचे क्या था, ए एक्स था तो यहाँ पे खाली टेन थीटा हो गया। ठीक है, तो क्या बना, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या ये सभी को याद है, क्या ये सभी को याद है, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सब याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। देखो जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, या तो लगता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर लगता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें कौन सा लग गया, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा। जो हमारी आइडेंटिटीज़ होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, तो ये आइडेंटिटीज सभी को याद होनी चाहिए। ठीक है, अब देखो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे,
जहाँ पे 1 + tan² θ है वहाँ पे क्या पुट करेंगे, sec²θ। तो क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, तो y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट क्या हो जाएगा, sec²θ माइनस वन और अपॉन में क्या था, tan θ। यहाँ तो समझ में आया होगा सभी को, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, sec θ बचा। y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स sec θ माइनस वन अपॉन tan θ, क्या बचा, y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स sec θ माइनस का वन अपॉन में tan θ, ठीक है। अब देखो sec θ इज इक्वल टू क्या होता है, sec θ इज इक्वल टू होता है 1 upon cos θ, ये भी सभी को याद होगा, ठीक है। sec θ इज इक्वल टू होता है 1 upon cos θ, और tan θ की बात करें अगर, tan θ इज इक्वल टू होता है sin θ upon cos θ, ठीक है। sec θ इज इक्वल टू होता है 1 upon cos θ, और अगर हम बात कर रहे हैं tan θ की, तो tan θ इज इक्वल टू sin θ upon cos θ। तो जहाँ पे sec θ है तो वहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 1 upon cos θ, और नीचे क्या है tan θ, तो इसकी जगह पे क्या पुट कर देंगे हम, sin θ upon cos θ। तो देखो पुट कर देते हैं y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 upon cos θ माइनस 1 upon sin θ upon cos θ, ठीक है। क्या हो जाएगा, y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1 upon cos θ माइनस वन था तो माइनस वन को ऐसे ही लिख दिया, ठीक है, और अपॉन में क्या कर दिया, sin θ upon cos θ, और ये किसकी जगह पे पुट हुआ है, ये tan θ की जगह, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, देखो y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 minus cos θ upon cos θ, और अपॉन में क्या है, sin θ upon cos θ, ठीक है। यहाँ तो समझ में आया, हमने क्या किया, cos θ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, और अपॉन में क्या था, sin θ upon cos θ, उसको ऐसे ही नोट कर दिया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल हो, तो cos θ से cos θ कैंसिल हो गया, cos θ से cos θ कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 1 minus cos θ upon sin θ, क्या बचा, 1 minus cos θ upon sin θ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे cos θ का ऐसा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जिससे कि ये 1 कैंसिल हो जाए, तो देखो कौन सा लगाएंगे, cos θ इज़ इक्वल टू होता है 1 minus 2 sin²θ/2, ठीक है। क्या होता है, cos θ इज इक्वल टू 1 minus 2 sin²θ/2, ठीक है। अब देखो y इज़ इक्वल टू और यहाँ पे अगर बात करें sin θ की, तो sin θ इज इक्वल टू क्या होता है, तो sin θ इज इक्वल टू होता है 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है sin θ का, पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा, क्वेश्चन में जब फॉर्मूले को पुट करेंगे तो y इज़ इक्वल टू tan इनवर्स, अब यहाँ देखो 1 minus और ये माइनस प्लस 2 sin²θ/2, ठीक है, θ/2, और अपॉन में क्या रहेगा, 2 sin θ/2 cos θ/2, ठीक है। अब देखो प्लस का 1 minus का 1 कैंसिल हो गया, जो बचेगा उसको नोट कर लेंगे, आगे देख लेते हैं, इधर देख लेते हैं, ठीक है, इधर देख लेते हैं। देखो y इज इक्वल टू
क्या बचा, टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और अपॉन में क्या है, टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक, अब देखो टू से टू कैंसिल हो गया और साइन थीटा बाई टू से एक पावर माइनस हो गई, तो y इज इक्वल टू क्या बचा, y इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू। ठीक, हमने क्या किया कि देखो यहाँ से वन कैंसिल हो गया, क्या बचा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू और अपॉन में टू साइन थीटा बाई टू इंटू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, अब देखो यहाँ टू से टू कैंसिल हो गया और साइन थीटा बाई टू से इसकी एक पावर माइनस हो गई, तो क्या बचा, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा बाई टू, और साइन थीटा बाई अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन। तो y इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन थीटा बाई टू, टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा बाई टू। y इज इक्वल टू क्या आया, थीटा बाई टू। यहाँ तक समझ में आया। अब थीटा की वैल्यू कितनी थी, तो y इज इक्वल टू वन बाई टू, और थीटा की वैल्यू यहाँ से हमने निकाली थी टेन इनवर्स ए एक्स। डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका जब हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, और वन बाई टू बाहर। अब देखो टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, इसको एक्स पढ़िए तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स क्या है यहाँ पे, ए एक्स का स्क्वायर इंटू। अब देखो ए एक्स का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू। ठीक है, और अपॉन में ऊपर ए, और अपॉन में क्या हो जाएगा, वन प्लस। अब देखो ए एक्स का होल स्क्वायर है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए अपॉन टू और ब्रैकेट में वन प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक, और यही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 है, टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं क्वेश्चन को, लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को y के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है, सभी को याद होगा, टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, ये फार्मूला सभी को याद होगा। अब यहाँ पे कॉस एक्स का हम ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे जिससे ये वाला वन प्लस का वन कैंसिल हो जाए, तो देखो क्या होता है, कॉस एक्स इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। ठीक है, साइन एक्स इज इक्वल टू टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू, और कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस का वन। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू अपॉन वन को नोट कर लेंगे, और कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। यहाँ तक समझ में आया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया कि कॉस एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, और यहाँ पे क्या किया, साइन एक्स का फॉर्मूला पुट कर दिया। ठीक, अब देखो वन से ये वन कैंसिल हो गया, जो बचेगा उसको नोट कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस
एक्स बाई टू, और अपॉन में देखो क्या बचा है, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और अपॉन टू, अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू और ऊपर टू साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। अब देखो कुछ कैंसिलेट हो रहा है, तो हमने देखा टू से ये टू कैंसिल हो गया, ठीक है। देखो नीचे क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू है, और ऊपर क्या है, साइन एक्स बाई टू इंटू कॉस एक्स बाई टू। तो एक कॉस एक्स बाई टू से इसकी एक पावर माइनस हो जाएगी, तो क्या बचा, वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स, तो ऊपर बचेगा साइन एक्स बाई टू और नीचे क्या बचा, कॉस एक्स बाई टू। साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स टेन एक्स होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू क्या हो जाएगा, टेन एक्स बाई टू। तो वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स टेन एक्स बाई टू, ठीक है। टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, वाई इज इक्वल टू एक्स बाई टू। डिफ्रेंसिएशन कर देते हैं, तो डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई का डिफ्रेंसिएशन क्या बनेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू। अब देखो वन बाई टू बाहर, डी डी एक्स एक्स करेंगे, तो डी डी एक्स एक्स क्या होता है, वन होता है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से, वन बाई टू, और यह इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 है, साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को वाई के इक्वल लेट करेंगे, तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो वन का स्क्वायर कर सकते हैं, अब यहाँ पे कौन सी सब्स्टिट्यूशन बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जब सब्स्टिट्यूशन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो हम एक्स इज इक्वल टू क्या लेट करते हैं, ए टेन थीटा या ए कॉट थीटा। तो देखो यहाँ पे हम लेट करेंगे, पुट कर देते हैं यहाँ पे, पुट करेंगे एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा। हमने क्या किया क्वेश्चन में, एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, कॉट थीटा। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो थीटा इज इक्वल टू कॉट इनवर्स एक्स, ठीक है। थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कॉट इनवर्स एक्स, ये हमारी थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखो जहाँ पे क्वेश्चन में एक्स होगा, वहाँ पे क्या पुट करेंगे, कॉट थीटा। तो वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन अंडर रूट, अब देखो वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्या हम पुट कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन कॉसेक थीटा, ये बचेगा। देखो हमने क्या किया, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या पुट कर दिया, कॉसेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स वन अपॉन कॉसेक थीटा। और देखो वन अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ये सभी को पता होगा, वन अपॉन कॉसेक थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, ठीक है। तो जहाँ पे वन अपॉन कॉसेक थीटा होगा, वहाँ पे क्या पुट करेंगे, साइन थीटा। वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी निकाली थी, कॉट इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू क्या पुट कर देंगे, कॉट इनवर्स एक्स। डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डिफ्रेंसिएशन dy वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस का वन अपॉन वन प्लस
एक्स स्क्वायर, और यही इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर।